ओके तो आज का जो सेशन है वो अपना इंटर्नशिप के बेसिस पे है. नाउ द थिंग इज नाउ इट्स जनवरी गोइंग ऑन, देन स्कूल विल हैव देयर एक 26 का एक फंक्शन आएगा. मेनी ऑफ द स्कूल आर हैविंग एक्चुअली सम कल्चरल इवेंट्स और एनुअल फंक्शंस इन फेब्रुवरी आल्सो. मेनी ऑफ द स्कूल हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, बट द थिंग इज बहुत सारे सीबीएसई स्कूल कैसे मार्च में छुट्टी होती है उनकी, मार्च में एग्जाम होती है या फिर मार्च में ही छुट्टी लग जाती है, पहले ही वो एग्जाम ले लेते हैं स्टार्टिंग में एंड देन मार्च से ही वो छुट्टी ले लेते हैं. बहुत सारे स्कूल्स का जो है ये थोड़ा पीक पीरियड होता है, फिर आपको समर वैकेशन लग जाएंगे तो कोई स्कूल देगा नहीं, तो आपको अभी जनवरी में ही आपको एक्चुअली इंटर्नशिप करना पड़ेगा. इसलिए हम ये इन बिटवीन मैं बता रही हूँ, बिकॉज समर वैकेशन आ जाएंगे तो देन स्कूल विल नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ सेशन एंड. तो व्हाट यू हैव टू डू इज व्हाट इज द प्रोसीजर, हाउ यू हैव टू गो अहेड विद इट. मे हैपन दैट मेनी ऑफ यू माइट हैव जस्ट जॉइंड एंड यू माइट हैव नॉट इन द वर्ज ऑफ थिंकिंग अबाउट इंटर्नशिप, और यू मे थिंक दैट आई एम नॉट प्रिपेयर, बट आई विल टेल यू एवरीथिंग लाइक हाउ यू हैव टू मैनेज योर सेशन एंड वॉट आर ऑल थिंग्स यू हैव टू डू एंड एवरीथिंग. सो इट विल बी ईजी फॉर यू ऑल टू एक्चुअली बी कॉन्फिडेंट एंड गो एंड डिलीवर देयर. दैट विल हेल्प यू आउट इन योर जॉब ऑल्सो, बिकॉज वेर एवर इन वॉट एवर स्कूल यू विल आस्क फॉर इंटर्नशिप यू हैव टू कंसिडर दैट यू आर आस्किंग देम फॉर जॉब ऑल्सो साइमल्टेनियसली. मीन्स एक निशाने में दो तीर मार, एक तीर में दो निशाने मारने हैं या फिर दो पंछी मारने हैं, ऐसे आपको करना पड़ेगा. तो सबसे पहले तो जो परमिशन लेटर आपको मैंने दिया है उसके चार पांच प्रिंट निकाल लेना, फर्स्ट प्रोसीजर. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारे की पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लो एंड इसको फिर अच्छे से ऐसे ही जैसे मैं बताती हूँ उसी हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करो. क्या क्या करना है, तो सबसे पहले आपको दो तीन डॉक्यूमेंट मिले हैं, उसमें एक आपका होगा परमिशन लेटर. ठीक है, अब ये परमिशन लेटर किसे लगेगा? सबसे पहले तो जिनका जॉब चल रहा है उन्हें परमिशन लेटर की जरूरत नहीं है. बात करके भी अगर आपको वो दे रहे हैं परमिशन तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. मतलब आप बोल दो कि हाँ मुझे इंटर्नशिप करना है, आपके यहाँ पे दो सेशन लगेंगे. एक हमें प्री प्राइमरी में, मतलब जैसे आपका प्री प्राइमरी का है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, प्ले ग्रुप है, नर्सरी है, जूनियर है और सीनियर है. ठीक है, तो आपको एक जो लेना है क्लास वो आइदर प्ले ग्रुप और नर्सरी में लेना है, और एक जो दूसरा लेना है वो आइदर जूनियर और सीनियर में लेना है. मतलब ऐसे दोनों क्लासेस प्ले ग्रुप या नर्सरी ऐसे नहीं चलेगा, दोनों क्लासेस जूनियर और सीनियर नहीं चलेगा. एक आपको प्री नर्सरी लेना पड़ेगा और एक आपको ये लेना पड़ेगा जूनियर और सीनियर लेना पड़ेगा. ठीक है, तो आपको परमिशन क्या लेनी है, आपको प्रॉपरली परमिशन के टाइम पे बात क्या क्या करनी है. सबसे पहले आपको आपका रेज्यूम, आपका सीवी या फिर आप बायोडाटा भी बोल सकते हो, तो आपको आपका सबसे पहले तो सीवी प्रिपेयर करना है, आपका रेज्यूम, रेज्यूम के साथ अपना परमिशन लेटर, ये दो चीजें. एंड एक चाहे तो आप अलग से एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, वैसे परमिशन लेटर ही आपका एप्लीकेशन है जहाँ पे आप उनको मतलब रिक्वेस्ट कर रहे हो ये करने के लिए, आपको इंटर्नशिप देने के लिए. तो आपका परमिशन लेटर अलोंग विथ योर रेज्यूम आप उनको बोलो कि हमारा यहाँ यहाँ से टीचर्स ट्रेनिंग चल रहा है, तो हमें हमारे एकेडमिक प्रोजेक्ट के लिए हमें आपके यहाँ पे सेशन डिलीवर करना है. फिर उनको ये बताओ कि आपको एक सेशन इन दो क्लास में से लगेगा, एक यहाँ इन दो क्लास में से लगेगा. आइदर आप पूरा 2 घंटा दे सकते हैं या फिर अगर आप उससे कम देना चाहते, 2 या 3 घंटा जैसे भी उनका स्कूल का टाइम है, तो मतलब एक दिन आप ही पूरा स्कूल मैनेज करेंगे 2 घंटा या 3 घंटा, या फिर वो बोलते हैं कि आपको एक ही घंटा दे सकते हैं, आधा घंटा दे सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू देम यू हैव टू एडजस्ट द सेशन. ठीक है, तो फिर उन्होंने समझो बोला कि नहीं आधा आधा घंटा आप 2-3 दिन आओ, तो दैट इज ऑल्सो फाइन. उन्होंने अगर आपको बोला कि ठीक है आप एक दिन अटेस्टेड सारे ले लो, दैट इज ऑल्सो फाइन. उन्होंने बोला कि नहीं आप एक एक घंटा लो, तो दैट इज ऑल्सो फाइन. तो उनके थोड़ा सा कस्टमाइज रहेगा, जो स्कूल के लोग होंगे उनके हिसाब से आप उनसे बात कर लो एंड देन डिसाइडेड. यहाँ तक की प्रोसीजर सबको क्लियर है? परमिशन लेटर का प्रिंट आउट, रेज्यूम बनाना है. हाँ यस मैम हाँ कुछ डाउट्स है तो पूछ लो. तो अभी एक्सक्यूज मी मैम, हाँ पूछो. अभी हमारे क्लास में जो है प्री प्राइमरी वाले नहीं है, नर्सरी से स्टार्ट है, जूनियर है और सीनियर है,
तो कैसे करें? तो एक नर्सरी में लो, एक जूनियर नर्सिंग में लो, ठीक, ये दोनों में से कोई स्कूल भी एक में चलेगा। बहुत सारे स्कूल्स में प्ले ग्रुप नहीं होता है, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। तो आपको नर्सरी पे एक ले लो एंड आइदर जूनियर और सीनियर में से एक ले लो, ठीक है? तो एक्सक्यूज मी हाँ, मैम, जो स्कूल्स हम कांटेक्ट करेंगे वो आपके थ्रू आएंगे या हमको खुद कांटेक्ट करना पड़ेगा? नहीं, आपको खुद कांटेक्ट करना है। आपके घर के पास के स्कूल में जा सकते हो ना आप, क्योंकि अपने तो इधर होंगे पिंपले सौदागर एंड अपने एरिया के, ऐसे अपने स्कूल्स भी है लेकिन वो आपको फिजिबल नहीं होंगे ना। जैसे अभी अपने पास भी चार पांच सेंटर्स ऑलरेडी है, तो आप कहाँ उधर जाके भटकोगे, किधर आओगे इधर इतनी दूर। आप अपने अपने गांव में आपके घर के पास के देखो ना, जहाँ आसानी से जा सकते हो वहां जाके डिलीवर कर सकते हो, ऐसे देखो। क्योंकि अगर किसी ने बोल दिया 3-4 दिन आना है, एक दिन कोई मैनेज कर सकता है? तो 3-4 दिन कैसे मैनेज करें? किसी ने बोल दिया कि हाँ 1 वीक आ जाओ, कैसे मैनेज करोगे? ठीक है, तो आप आपके घर के पास, और मोस्टली अपने इसमें होते ही है ना, घर के पास आसपास प्री स्कूल तो होते ही है, और जिनके छोटे बच्चे हैं जो ऑलरेडी जिस स्कूल में जा रहे हैं वहां जाओ, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं वो वही करो। तो बहुत मुश्किल नहीं है, किसी भी स्कूल में आप चले जाओगे ना, एंड एक्चुअली दे विल वेलकम यू एंड दे विल गिव यू जॉब ऑल्सो, आई एम टेलिंग यू। वो आपको डायरेक्ट जॉब के लिए ही पूछेंगे, बिकॉज द थिंग इज हर जगह पे क्वालिफाइड टीचर का प्रॉब्लम होता ही है। एंड वेन यू विल टेल देम कि यू आर डूइंग योर कोर्स फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट एंड यू वॉन्ट दिस टू लाइक फॉर योर अकेडमिक प्रोजेक्ट, एक्चुअली दे विल गेट सो मच इम्प्रेस दैट दे विल आस्क यू फॉर द जॉब। सो टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज अप्लाइंग फॉर द जॉब, बिकॉज ऐसे ही जॉब करने के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं ना, तो वो एंटरटेन नहीं करते। बट नाउ यू आर नॉट आस्किंग देम जॉब, यू आर आस्किंग देम इंटर्नशिप। सो वॉट विल हैपन, दे विल वॉच यू वाइल यू आर परफॉर्मिंग इन द क्लास, है ना? वो आपको देखेंगे कि आपको क्या आता है, कैसे आप कर रहे हो। तो वंस दे विल सी योर परफॉर्मेंस, दैट विल बी वेरी बेटर फॉर देम टू टेक डिसीजन ऑल्सो। एंड इफ यू विल डू दिस नाइसली, दे मे ऑफर यू जॉब ऑल्सो डायरेक्टली। सो द थिंग इज, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज गेटिंग गुड जॉब इन गुड इंस्टीट्यूट, गुड स्कूल, एंड दैट्स हाउ यू हैव टू अप्रोच देम। एंड मैं तो बोलती हूँ कि चार पांच स्कूल में जाके आओ ना, अगर आपको पता भी है कि मुझे इस स्कूल में मिल जाएगा, तो भी थोड़ा सा 5-6 स्कूल में जाके आओ, उस बहाने आपका एक स्कूल विजिट भी हो जाएगा एंड आपका थोड़ा सा रेज्यूम भी चला जाएगा उनके पास, है ना? एंड आपको भी थोड़ा देखने के लिए मिलेगा वहां का माहौल कि कैसे हैंडल करते हैं। एटलीस्ट वो दो चार सवाल जो भी पूछेंगे, तो आपको इंटरव्यू का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आ जाएगा कि किस टाइप के सवाल वो पूछते हैं ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा आपका। तो इस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को एक जॉब सर्चिंग अपॉर्चुनिटी करके भी लेना है, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच टू स्कूल। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप, अप्रोचिंग। अब जब आप अप्रोच करते हो, उसी टाइम पे उनको बता दो अपना ना, ये एक लेटर है, यहाँ पे फीडबैक फॉर्म करके मैंने वहां पे दिया होगा, आपको दिख रहा है आपको फीडबैक फॉर्म? ठीक है, तो जो यस फीडबैक फॉर्म है मैम, उनको दिखा के उसी टाइम पे जब आप परमिशन के लिए जाते हो ना, तो उनको उसी टाइम पे वो फीडबैक फॉर्म दिखाना और उनको बोलना कि मुझे इस फीडबैक फॉर्म पे आपके स्कूल का स्टैम्प और सिग्नेचर लगेगा। दिस इज अनदर थिंग, यू हैव टू कम्युनिकेट विद देम इन एडवांस, ठीक है? तो ये किसी स्टूडेंट का है तो उन्होंने यहाँ पे स्कूल का स्टैम्प वगैरह सब लाया है। किसी किसी इसमें 2 पेज का भी है, 1 पेज वाला ही, ठीक है? तो इस टाइप का सेम ही है, आप देख लो। तो स्कूल का स्टैम्प आता है, स्कूल का नाम आता है, डेट वगैरह, तो ऐसे करके। तो उनको उसी टाइम पे आप सारे इसके प्रिंटआउट निकालो और उसी टाइम पे उनको वो भी दिखा दो कि हाँ हमें इस पे आपका फीडबैक लगेगा। तो मतलब जिस टाइम पे आप क्लास लेंगे, तो उस टाइम पे वहाँ की टीचर जो होगी, जो वो हमेशा क्लास लेती है, तो वो आपका क्लास ऑब्जर्व करेगी एंड शी विल गिव यू सम रिमार्क, आइदर प्रिंसिपल या वो फिल करके देंगे। तो कोई तो वो फीडबैक देगा वहां पे आपका, लाइक आपने इंटर्नशिप में कैसे परफॉर्म किया है, वो लोग जज करेंगे जो जो भी है। तो दैट इज हाउ दे विल इवैल्यूएट कि हाउ यू हैव कंडक्टेड द सेशन। तो इसमें देखो पैरामीटर्स क्या है, पहला है लेसन के कंटेंट, दूसरा है क्लास का कंट्रोल, तीसरा है इंट्रैक्शन विद स्टूडेंट, चौथा है कॉन्फिडेंस लेवल, पांचवा है हैंडलिंग प्रॉब्लम इफ एनी, देन सिक्स्थ है यूज ऑफ टीचिंग एड्स, एंड लास्ट इज जनरल रिमार्क। मतलब आपका जो इवैल्यूएशन होने वाला है, इवैल्यूएशन इन पैरामीटर्स पे होने वाला है, यानी कि आपको मेनली किन चीजों पे फोकस करना है, इन चीजों पे फोकस करना है कि आप लेसन का कंटेंट कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, क्लास का आपका कंट्रोल कैसा है, आपने टाइम कैसे मैनेज किया, उन्होंने दिया 1 घंटा,
और आपने एक घंटे में आपका एक्टिविटी ही चल रहा है, आपने बाकी का कुछ भी नहीं किया, मतलब क्या है, टाइम मैनेजमेंट में आप प्रॉब्लम खा गए। मतलब जो टाइम दिया है उसके हिसाब से आपको पूरी की पूरी जो भी आपको एक्टिविटी, अभी मैं बताने वाली हूँ कि आपको क्या क्या लेना है उधर जाके, तो वो पूरा आपको प्लान करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? फर्स्ट स्टेप योर रेज्यूम, परमिशन लेटर, सबमिट इन द स्कूल, यस। Then you have to take the printout of feedback form also. Feedback form also you have to show them, and you have to actually ask that moment of time itself ki you have to give the permission and you have to give the stamp signature. And one more thing is photograph lene ki permission bhi aapko usi time pe leni hai, kyunki aapko mainly teen photos, matlab waise to aap zyada kitne bhi photo le sakte hain, लेकिन तीन फोटो आपको लगेंगे। एक आप बच्चों के साथ प्री प्रिपरेशन, मतलब अभी तक आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की है, लेकिन आपने वो एक्टिविटी के सारे जो वर्कशीट्स या जो भी शीट्स आप एक्टिविटी शीट्स लेके गए हैं, तो वो एंड सारा मटेरियल जो भी एक्टिविटी को लगने वाला है, तो प्री प्रिपरेशन जो भी आपने उस पर्टिकुलर क्लास के लिए किया है, तो वो सारा अलॉन्ग विद द क्लास वो आपको एक लेना पड़ेगा उसका फोटो। Then during the activity एक photo लेना पड़ेगा, when you are conducting the session and students are doing the activity along with the students you are performing, वो एक photo लेना पड़ेगा। And third, once you have done with the whole activity, whole class is holding their activity, you are holding the teacher activity, and that's how you have to take one photo. So this is how तीन photo आपको लेने हैं। अगर आपका school का notice board या school का नाम वहाँ पे entrance पे अगर आप कुछ आपका selfie वगैरह लेना चाहते हैं, तो that is also fine, that also you can add. तो दैट इज हाउ 3 to 4 फोटोग्राफ्स यू हैव टू टेक, तो उसकी परमिशन भी आपको लेनी पड़ेगी। इसमें कुछ फोटोज है तो मैं दिखाती हूँ, टाइप के फोटो होते हैं, देखो इसमें ये प्री प्रिपरेशन का फोटो है, दिस इज ड्यूरिंग द एक्टिविटी, दिस इज अगेन ड्यूरिंग द एक्टिविटी, ये स्टूडेंट के साथ प्री एक्टिविटी। ये सारा प्रिंट आउट निकाला है, ठीक है, उसमें है। ओके, तो इस टाइप के आपको फोटोज निकालने हैं, तो उसकी भी परमिशन आपको उसी टाइम पे लेनी है कि आपको फोटो लेने का, क्योंकि बहुत सारे स्कूल में मना करते हैं ना, तो उनको बोलना पड़ेगा कि हमें प्रोजेक्ट में वो लगाना है, तो उसके लिए हमें फोटो लगेगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, तो वो आप पूछ लेना फोटो एंड बाकी सारी चीजों की परमिशन, एंड वो कितना टाइम देते हैं, तो फिर उनसे आपको डेट टाइम वगैरह सारी चीजें लेनी है। अब जो एक्टिविटी, क्लास एक्टिविटी आप परफॉर्म करेंगे, उसमें क्या है, अगर क्लास की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू टू मेंटेन एवरीथिंग, गिविंग देम मटेरियल एंड ऑल, बट इफ इट ऑल आस्क देम इफ दे कुड प्रोवाइड यू द मटेरियल, बट इफ एट ऑल दे कुड नॉट प्रोवाइड यू एवरीथिंग, इन दैट केस एटलीस्ट एक्टिविटी शीट, जैसे समझो क्लास में 10 बच्चे हैं, तो 10 बच्चों की एक्टिविटी शीट को 10 प्रिंट आउट आपको निकालने पड़ेंगे, बाकी तो कलर वगैरह वो सब उनके पास होता है, बट इनकेस अगर ऐसा कोई स्कूल है वो बोलेगा कि नहीं हम कुछ भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, आपको ही लाना पड़ेगा, तो फिर इजी एक्टिविटी ले लो, जैसे कुछ कलरिंग का ले सकते हैं, थंब प्रिंटिंग, पाम प्रिंटिंग, ऐसा कुछ ले लो, तो फिर उसमें आपको ज्यादा खर्चा नहीं होगा। अगर बोलते हैं कि आप मतलब कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का, कुछ महंगे मटेरियल का करते हैं, तो आपको फिर उतने बच्चों के लिए उतना मटेरियल वगैरह खुद लेना पड़ेगा, खुद उनको देना पड़ेगा, तो इट विल एक्चुअली अफेक्ट योर इकोनॉमिक। सो फॉर दैट सेक व्हाट यू कैन डू इज आइदर आस्क देम, कभी कभी क्या होगा कि उनका जो शेड्यूल्ड एक्टिविटी होगा वो भी आपको दे सकते हैं,
कि आज इनके क्लास में ये एक्टिविटी लेना है, तो हमें हम आपको देंगे वो एक्टिविटी आप लोग. तो कहीं कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि रादर देन यू आर चूजिंग योर एक्टिविटी, द स्कूल विल गिव यू समथिंग कि दिस इज हाउ आर टूडे शेड्यूल इज एंड दिस इज हाउ यू हैव टू कंडक्ट द क्लास. सो यू शुड बी रेडी फॉर बोथ द थिंग्स. इफ द स्कूल इज नॉट गिविंग यू, in that case you have to choose your own activity, and in another case it may also happen that school is having their own schedule and everything and they will tell you ki nahi hamara jo activity hai aaj hamare class mein ye lena hai to ye hamara jo hai wo aap conduct kar sakte hain. So in that case aapko fir unko puchna padega ki whether they'll be providing all the material or not, and in that way you have to your schedule your class and accordingly you have to prepare. Now here you need to be well prepared, well organized, because these are very small thing. But समझो अगर आप paper tearing का activity कर लो, आप glue ही नहीं लेके गए, and how you will stick it, है ना? मतलब छोटा एक आधा चीज भी भूल गए तो उसके बिना नहीं हो पाएगी ना activity. तो the thing is आपको ये सारी चीजें पहले ही clear करनी पड़ेंगी, क्या वो देने वाले हैं, क्या आपको लेके जाना है, क्या सारी अरेंजमेंट आपको करनी है. तो ये जो है ये थोड़ा सा मैनेजमेंट का पार्ट है जो आपको प्रायर पूरा हैंडल करना है, एंड यू शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, एंड यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग प्रॉपरली, एंड यू एंड चेकलिस्ट बना लो. जैसे मैं आज बता रही हूँ ना, स्टेप वाइज चेकलिस्ट बना लो कि मैंने ये किया क्या, ये पूछा क्या, ये हुआ क्या, ये डिस्कशन हुआ क्या, उनसे ये परमिशन ली क्या, तो सारी चीजों की चेकलिस्ट बना लो एंड अकॉर्डिंगली देन यू कीप ऑन टेकिंग कि हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, एंड दिस इज हाउ यू हैव टू प्लान इट. तो प्री वाला जितना भी है उतना सब कुछ हो गया है. नाउ वी हैव टू एक्चुअली कम ऑन द एक्टिविटी. तो यहां तक किसी को कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज है तो पूछ लो. नो मैम. नो मैम. नो मैम. बोलो. नो मैम. आपने कहा था कि नर्सरी, जूनियर और सीनियर, तो तीनों को तीनों क्लास में लेना है या सिर्फ कोई भी एक क्लास तीनों में? अरे हीरोइन, मैंने बोला आइदर, आइदर प्ले ग्रुप और नर्सरी एक, आइदर जूनियर और सीनियर में से एक, मतलब दो को मैंने बीच में एंटर डाला था और उन दोनों में से एक क्लास लेना है. अगर प्ले ग्रुप नहीं है तो एक नर्सरी का कंपलसरी लो एंड दूसरा जूनियर और सीनियर में से एक करो. क्लियर है? अच्छा, मतलब दोनों ऐसे नहीं करना है कि एक जूनियर का लिया एक सीनियर का लिया, दोनों ऐसे नहीं करना है कि एक पीजी का लिया और एक नर्सरी का लिया, एक प्ले ग्रुप और नर्सरी में से लेना है और एक जूनियर और सीनियर में से लेना है. वो मैं बताती हूँ, टाइम स्टोरी सब कुछ लेना है, ऐसे कुछ भी नहीं है जो नहीं लेना है. यहाँ तक क्लियर है? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके. मैं अभी ये जो डॉक्यूमेंट है अपना तुम्हारे सामने होगा तो उसका जो फर्स्ट पेज है वहां पे लिखा है मिड टर्म असाइनमेंट, उसमें ना ए में लिखा है प्लान एंड एक्टिविटी, उसमें पांच सब्जेक्ट लिखे हैं, ईवीएस, मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज एंड आर्ट एंड क्राफ्ट. लिखा क्या आपको? मैं एक्टिविटी ए बी शीट यहाँ पे शेयर कर, 2 मिनट. हम हाँ, ये दिख रहा है आपको सबको? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. ओके, ये एंड टर्म का है, ये तो मिड टर्म का चाहिए, यही भेजा होगा शायद मैंने कल. यस मैम. हाँ मैम, यही भेजा आपने. तो ये भी लगेगा ना, दोनों लग गए ना. पहले मिड टर्म का देखते हैं, उसके बाद एंड टर्म का देखते हैं. किसका बज रहा है? उठ पे जाओ, ये तो सब नाचने लगे. अरे कोमड़ी पढ़ा ली, किसका है?
सुषमा दी का है मैम. नहीं मैम, मेरे पास कुछ नहीं मैम. नहीं है. अच्छा नहीं मैम, आज ठीक. किसी दूसरे का आ जाए आवाज. अच्छा अच्छा, कहीं से आया हो. ठीक है. ओ किधर गया. ठीक है, मैं इधर से ही दिखा दूं कि आपको. अपने पास जो हार्ड कॉपी है उसमें से मैं, मुझे सॉफ्ट कॉपी मिल नहीं रहा है. मुझे लगा मिड टर्म एमटी लिखा है तो मिड टर्म का होना चाहिए, लेकिन वो एंड टर्म का है. हाँ तो वो प्रिंट आउट में दिख रहा है, सॉफ्ट कॉपी में नहीं दिख रहा है. नहीं दिखा तो हार्ड कॉपी में से दिखाती हूँ. ठीक है, मैं हार्ड कॉपी में से दिखाती हूँ आपको. आप ये कर लेना, ये डॉक्यूमेंट में भेजती हूँ. मिल नहीं रहा है तो ये देखो, यहाँ पे ये मिड टर्म का जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको ऐसे सब्जेक्ट्स दिखेंगे. ये चार पांच सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना, साइंस सीबीएस वगैरह, उसमें से आपको वैसे आर्ट एंड क्राफ्ट टिक करना है. मतलब आप वैसे सब्जेक्ट चूज भी कर सकते हो. जैसे समझो आपको, जैसे डीएड वाले हैं तो डीएड वालों को ये लेना है, फर्स्ट टू फोर्थ के इसमें आपको लेना है. जितने भी डीएड वाले हैं, कितने लोग हैं डीएड वाले यहाँ पे, रेज योर हैंड्स डीएड के लोग. अखिला, अखिला, देन शैली, ओके. बाकी अंजलि किधर गई, साइली किधर गई, ये लोग अब्सेंट है. दो ही दिख रहे हैं डीएड के. अरे मैम वो मैं अंजलि हूँ. हाँ तो हैंड रेस करो ना. हैंड रेस किधर है तुम्हारी, हैंड रेस वैसा नहीं, वर्चुअल वाला. ओके हाँ ठीक है. और बाकी श्रुति रेजिना, उनकी पिकनिक है. और साइली नहीं आई क्या, और शिरिन आई है. शिरिन डीएड. अब डीएड वालों को क्या करना है, एक प्रोजेक्ट फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में लेना है, और दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्ड में लेना है. अगर आपको फिफ्थ सिक्स का भी मिलता है तो दैट इज ऑल्सो फाइन. तो लेकिन एक जो है वो अगर वो स्कूल पूरा हायर सेकेंडरी तक है तो इन दैट केस यू मे डू फॉर फिफ्थ सिक्स ऑल्सो. बट अपने प्रोजेक्ट के लिए आप आइदर टेक फॉर फर्स्ट और सेकेंड एक, एंड देन फॉर सेकेंड थर्ड और फोर्थ अनादर. टू प्रोजेक्ट्स यू हैव टू. क्लियर है? तो आपको जो करना है उसमें फिर आपको यहाँ पे जैसे इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह दिया है तो डीएड वालों को वहां पे प्रॉपर सब्जेक्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ जूनियर सीनियर में सब्जेक्ट आएगा. प्ले ग्रुप नर्सरी में ऐसे सब्जेक्ट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो इसलिए उनको हम आर्ट एंड क्राफ्ट ही बोलते हैं. तो लेकिन उसमें सारी चीजें आएगी, कंसेप्ट आएगा जो हम बता अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो बेसिकली आपको जो डीएड वाले हैं उनको क्या करना है, उनको सब्जेक्ट डालना है, एंड जो डॉक्यूमेंट है मतलब जो भी उनको पूछेंगे, और क्लास जो है वो फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे लेना है. एंड जो बाकी के लोग हैं उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट सिलेक्ट किया तो भी चलेगा. इफ एट ऑल दे वांट टू टेक यू स्पेसिफिक सब्जेक्ट, अंटिल अनलेस यू डोंट आस्क देम कि मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, बिकॉज हर किसी का जो किट मटेरियल होता है वो अलग होता है, हर किसी का करिकुलम डिफर करता है. तो जो बड़े स्कूल है उनका कैसे स्टैंडर्ड है, सीबीएसई पैटर्न है तो हाँ सिमिलर बुक्स रहेंगे, या फिर जो भी पैटर्न है वही सेम रहेगा. तो आपको ना सब्जेक्ट स्पेसिफिक लिया तो फिर क्या होगा, उनके बुक्स लेने पड़ेंगे, उनको पूछना पड़ेगा कि क्या पढ़ाना है. वो देंगे तो ठीक, नहीं देंगे कॉपरेट नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर से मुश्किल होगी. तो इसलिए आप उनको बोलो आर्ट एंड क्राफ्ट, बट एक्चुअली वी आर हैविंग अ टोटल सिक्वेंस कि आपको एग्जैक्टली उसी जो एक्टिविटी लिया उस एक्टिविटी में आपको एक कंसेप्ट कैसे सिखाना है, स्टोरी कैसे बताना है, राइम कैसे बताना है. पूरा दो घंटे का पूरा शेड्यूल जो है वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि आपको उसको डिवाइड कैसे करना है. जैसे अगर डेमो क्लास के लिए भी होता है तो आई विल टेल यू द होल सिक्वेंस एंड हाउ यू हैव टू प्लान योर क्लास, हाउ यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर क्लास. तो वो हम पूरा देखने वाले हैं. तो इज इट क्लियर सब्जेक्ट कौन सा लेना है आपको अभी, मतलब ये अगर आपने आर्ट एंड क्राफ्ट सिलेक्ट किया तो भी चलेगा. एंड जो डीएड वाले हैं वो आपके हिसाब से आप सब्जेक्ट चूज कर लेना. इधर आपको इंग्लिश पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, मैथ्स पढ़ाना है, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाना है तो अकॉर्डिंगली यू विल चूज द सब्जेक्ट.
ना वो उसके बाद एक बार सबसे ये एक बार पढ़ लेना डॉक्यूमेंट आप उसमें क्या क्या दिया, लेकिन फर्स्ट पेज पे आपको उतना ही करना है कि आपको सब्जेक्ट चूज करना है. अब ये जो पेज हाँ मैम आई एम सॉरी मुझे एक क्वेरी थी जो सब्जेक्ट की आपने बात की आपने हाँ, तो डॉक्यूमेंट भेजा उसमें सब्जेक्ट्स मेन मेंशनड है सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू गो फॉर दैट सब्जेक्ट ओनली राइट. तो उन्होंने जो दिया है उसके हिसाब से भी आप उसमें ऐड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसका अगर आपको एडिटेबल वर्जन चाहिए तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, लेकिन एंड टर्म में हुए है ही नहीं सब्जेक्ट वाला, वैसे ऑप्शन ही नहीं है आई गेस. यहाँ पे जो मिड टर्म वाला डॉक्यूमेंट है ना उसमें ही सब्जेक्ट की लिस्ट दी, और आपको जो मैंने शेयर किया है उसमें आई डोंट नो उसमें लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है कि नहीं है. तो एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं है मैम. हाँ मैम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको अभी जो ये आएंगे ना लेसन प्लान जो आएंगे ना उसमें आपको फिर सब्जेक्ट डालना पड़ेगा डायरेक्ट. ठीक है तो लेसन प्लान पे आए हम सब लोग. नहीं मैम. यस मैम. यस मैम आई वांट टू आस्क अगर ये मीटिंग खत्म होती है तो फिर से हमें ज्वाइन करना है. यस अखिला टेल मी. मैम जैसे मैं अभी प्राइमरी वाले ग्रुप में भी हूँ डीएड में भी हूँ तो मुझे कितने प्रोजेक्ट्स करने होंगे? आपको टोटल 4 प्रोजेक्ट्स करने हैं. 2 प्रोजेक्ट्स फॉर प्री प्राइमरी 2 प्रोजेक्ट्स फॉर प्राइमरी. ओके इज इट ओके इफ आई डू द प्राइमरी प्रोजेक्ट्स इन माय ओन स्कूल? यस यस यू कैन डू ऑल योर प्रोजेक्ट्स इन योर स्कूल इफ यू आर हैविंग प्री प्राइमरी इन योर स्कूल इन दैट केस दैट इज आल्सो फाइन. It's not necessary that you have to go outside. If you're already working in the same school, just now whatever kind of session I will tell you, know, ki how you have to organize and you have to do everything. So accordingly, you have to plan some activity on that particular day and accordingly, you have to take photo and accordingly, you have to fill your lesson plan. That's how. Matlab, jo aap existing lete hai na class mein, usko bhi aap project mein convert kar sakte hai. Ekhade din ke schedule ko. Sirf thodi si achhi activity wagera. देख लेना. ये सभी वर्किंग लोगों के लिए है. जैसे अखिला का जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है तो जितने लोग वर्किंग है ऑलरेडी जो स्कूल में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है. जो आप डेली करते हो उसमें ही आपको आपके इंटर्नशिप प्रोजेक्ट की एक्टिविटी को मैप करना है अलाइन करना है. तो ओनली थिंग इज यू हैव टू अलाइन इट इन सच अ वे दैट यू शुड एक्चुअली फील एवरीथिंग. मतलब वो जो इसमें डॉक्यूमेंट में दिया है वो सारी चीजें मतलब ऐसा ना हो कि आपने ऐसी एक्टिविटी ले ली कि आपको पता चल रहा है बाद में लिखने के टाइम पे अरे इसमें मैं ये क्या लिखूं इसमें स्टोरी कौन सी दूं इसमें राइम कौन सा बोलूं. मतलब ऐसा कोई स्कोप ही ना हो. ऐसी एक्टिविटी अगर आपने ले ली तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा. पहले जो यहाँ पे पूछा है जो लेसन प्लान में है उसको अच्छे से स्टडी करो कि उसमें मुझे क्या क्या पैरामीटर्स है, कौन से क्या क्या चीजें लिखनी है, उसमें क्या क्या कवर करना है लेसन प्लान में. लेसन प्लान देखने के बाद फिर आपकी एक्टिविटी डिसाइड करो कि विच एक्टिविटी यू वुड लाइक टू गो अहेड. क्लियर है? आगे बढ़े. थैंक यू मैम. ओके मैम आई हैव अ क्वेश्चन. ओके मैम आई एम वर्किंग इन द स्कूल but and have given art and craft in the preschool matlab play group and nursery and handled the activity other junior and senior. So getting a math subject ma'am, can I get what you want? matlab wo subject leke unko padha sakti hu kya ma'am jaise activity? ha मतलब जिस स्कूल में आपको उसी स्कूल में आपको पढ़ाना है. अभी मैं जो बताती हूँ उस सीक्वेंस में सिर्फ आपको उस पूरे डॉक्यूमेंट को प्लान करना है. तो अकॉर्डिंगली आप समझो एखादी एक्टिविटी के लिए उस दिन के आप फोटो ले लो, उस एक्टिविटी के साथ बच्चों के फोटोग्राफ्स ले लो एंड फिर उसके ऊपर उसका राइम स्टोरी बना के कॉन्सेप्ट सिखा दो. तो दैट विल फुलफिल ऑल द नीड्स व्हाटएवर वी रिक्वायर फॉर इंटर्नशिप. ओके मैम. फाइन शुड वी गो अहेड. मेरा अभी 1 फेज भी नहीं हुआ है, एग्जाम भी नहीं हुए तो मैं कर सकती हूँ क्या इंटर्नशिप? कर सकते हो. सभी लोगों को करना है और अभी करना है, अदरवाइज फिर जून के बाद और जून में भी एडमिशन चलती रहती है फिर वो अचानक से परमिशन नहीं देते. जून जुलाई अगस्त तो वेट करना पड़ेगा. तो जो रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं वो भी जा सकते हैं. तो आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी भी जल्दी जल्दी मिल जाएगा. अच्छा. जिनको जॉब नहीं है जॉब चाहिए उनके लिए भी अच्छा है. थोड़ा सा जल्दी से आप थोड़ा बाहर निकलेंगे ना घर से तो दैट विल बी बेटर.
क्लास खत्म होने की जो राह देख रहे हैं ना कि हाँ पहले सीख लेंगे, क्लास कर लेंगे, उसके बाद जाके देखेंगे, मेरे बाजू में दो बैठे हैं वैसे लोग, तो ऐसा कुछ होता नहीं है. वो जो है ना, जब हम क्लास कंप्लीट कर लेते हैं ना, वो अपना जो होता है सारा, वो एक सीक्रेट प्लेस पे चला जाता है और आप भी फिर आपके कंफर्ट जोन में चले जाते हो और कुछ नहीं होता है. तो जब तक सब कुछ चल रहा है, ऑन में है ना गाड़ी, जब तक इंजन गर्म है तब तक ही सारी चीजें करनी पड़ेगी. तो सोच लो अब भी करना है, ऐसे डिले मत करो. तो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू कम इन एक्शन राइट नाउ. ओनली दो, अगर जिन्होंने बिल्कुल रिसेंटली ज्वाइन किया है, स्मिता कदम है क्या आज के लेक्चर में? वेरी रिसेंट स्टूडेंट स्मिता कदम इज देयर? नहीं, वीकेंड बैच के लिए ज्वाइन किया है उसने रिसेंटली, सो शी इज नॉट देयर. आज बहुत अब्सेंट है, बट फाइन. जो लोगों ने रिसेंटली ज्वाइन किया उनको भी अभी करना है एक्चुअली प्रोजेक्ट का जो है. तो डोंट वेट फॉर दैट कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ, मेरा अमुक नहीं हुआ, ढमुक नहीं हुआ, टमुक नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ तो डायरेक्ट इंटर्नशिप करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चले आगे बढ़े. हो गए? यस मैम. प्रश्न मंजूषा हो गई, चलो आगे बढ़ते. तो ये जो है अपना, हाँ कुछ है और? ओके, तो ये फर्स्ट पेज है, ये वाला जो डॉक्यूमेंट है उसका टेबल, लेसन प्लान का टेबल. ठीक है, तो इस टेबल में पहला जो ऑप्शन है उसमें है लेसन प्लान फॉर यंग लर्नर. वहां पे आपको आगे यहाँ पे प्राइमरी लिखा है, आपको प्री प्राइमरी का क्लास है, तो आपको उसको अगर प्रिंट आउट में ऑलरेडी आ गया तो इसको कट करके आपको जो भी क्लास है वो क्लास ऊपर लिखनी है. देन ये फिल करना है, ये पूरा टेबल. अब इस टेबल में एक पहला है टॉपिक, तो आपको एक टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आपने आर्ट एंड क्राफ्ट भी लिया. मैम डिस्टरबेंस बहुत हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रही है. डिस्टरबेंस बहुत, म्यूट पे चला जाओ, सब कट रही है. मैं म्यूट पे करती हूँ सब. अरे कॉमन सेंस है, सब लोग म्यूट पे रहो ना. अरे आपकी आवाज भी कट रही मैम, उसे क्लियर नहीं हो रहा है आप क्या बोल रहे. ओके ओके, सबको इंडिविजुअली म्यूट करना पड़ेगा. म्यूट ऑल हियर. हां ठीक है, इधर अभी कोई अनम्यूट नहीं होगा और कोई क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेगा. ठीक है, मेरी आवाज अभी आ रही है? यस मैम. यस मैम. क्लियर है? यस मैम. पास कर जा भाई. अभी नेट को बंद मत करना. कितना मिनट बाकी है? 3 मिनट बाकी है. ओके, तो इसमें क्या क्या ऑप्शन है? पहला है टॉपिक. तो अभी मैं आपको एक पहले एक एक्टिविटी बताती हूँ एंड उसके बाद फिर वो इजी हो जाएगा कि किसमें क्या भरना है, क्योंकि फिर वो एक्टिविटी जो मैं लूंगी उसके हिसाब से ये पूरा हम फिल करेंगे कि किसमें क्या है. तो आप जस्ट अभी देख लो, मीन वाइल फिर मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करने से पहले इसका सॉफ्ट कॉपी भी ढूंढ के रखती हूँ. This is first page, this is second page. This is third page. And this is last page. ठीक है, फिर ये इसका एक्टिविटी है. ऐसे एक दो प्रोजेक्ट अभी 2 मिनट जो बाकी है उसमें मैं बस प्रोजेक्ट दिखाती हूँ. तो ये पहले उसने सारा फिल किया, उसके बाद ये एक्टिविटी किया, ये 2 एक्टिविटी क्लास के साथ किया. देन फिर उस क्लास के फोटो एंड बच्चों का एक्टिविटी के साथ फोटो. ठीक है, ये ड्यूरिंग द एक्टिविटी का फोटो, ये सारे फोटो लिए, हो गया एक. फिर यहाँ से दूसरा किया. अभी एक ने प्रोजेक्ट जो है उसको स्क्रैप बुक में पूरा उसने ये किया. तो अलग अलग, मतलब अभी ऐसे कोई करता नहीं है लेकिन उसने कर दिया. तो ये इस टाइप का उसने परमिशन लेटर भी यहाँ लगा दिया, थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दिया. देन इस टाइप से पूरा डेकोरेट कर हैज डन हर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, पूरा लिखा है उसने डेकोरेट करके. दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग योर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट. तो मैं एक दो सैंपल आप लोग को दिखा देती हूँ. और इन लोग को बोलती हूँ फोटो, बहुत सारे लोग बोलते हैं फोटो चाहिए फोटो चाहिए, तो वो खुद के लिए निकालेंगे तो वो डायरेक्टली ग्रुप पे डाल देंगे. ठीक है, इन दोनों को जो ऑफलाइन मोड में आते हैं, ये ऑफलाइन का फायदा है. सब कुछ एक्सेसिबल होता है.
तो ये यहाँ पे उसका एक का एक प्रोजेक्ट हो गया, यहाँ से दूसरा चालू है। तो ऐसे दो प्रोजेक्ट, और आपको जो लोग बाहर गांव रहते हैं आपको फिर हार्ड कॉपी लास्ट में कुरियर, आपका फोटो का हार्ड कॉपी एंड आपके इंटर्नशिप प्रोजेक्ट का हार्ड कॉपी आपको हमें कुरियर से भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको वो सब कुछ करना जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्ट के मार्क्स जो है 200 मार्क्स है 2 प्रोजेक्ट के, तो उसके लिए फिर आपको वो जो हार्ड कॉपी है वो हमें भेजनी पड़ेगी। तो अभी इस मीटिंग के लिए सिर्फ 1 मिनट बाकी है, जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं फिर से आपको ज्वाइन होना है, ये मीटिंग फिनिश होने वाली है, तो फिर से मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, ठीक है? तो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगी क्योंकि मुझे वो डॉक्यूमेंट ढूंढना है, ठीक है? तो 2 मिनट में फिर से ज्वाइन करते हैं, जो लोग अभी ज्वाइन किए हो अब फिर से रीज्वाइन करना है सेम मीटिंग।